an undergraduate of the National College of Arts, NCA, and a graduate from California College of Arts, Kev Ghaznavi aims to create healthy dialogue of culture practices within the community by curating Banvat Festival annually. She believes in celebrating culture through the vehicle of music, dance, and theatre, focusing on Urdu language. Her portfolio for the variety of platforms that she performs for informs us that she carefully chooses her content with the impact of the society taking precedent. She runs the Kaif Wala Foundation with the sole purpose of giving back to the society by becoming patron to rural and small town artists. Ghaznavi is currently holding a position of Head of Department Media Sciences at ICRA University. How are you? I'm good, actually, quite, how should I say, surprisingly. I'm quite happy that this quarantine happened. I mean, shuru mein to 2 hafte was very they were terrible because we didn't know what to do and how to just be still. But it's kind of nice in a way. Mm. Coming to this fear of being or feeling still, what is movement to you in all its aspects, or in any aspect that you particularly connect with in your life at this point? What is movement to you? Well, I guess movement is just breathing. It's if you stop doing that, then really there is nothing to it. आपके पास जब सांस आ रहा होता है, तभी आपके पास ये सब सोच विचार, आपकी excitement, आपके उतार चढ़ाव, ये सब उसका हिस्सा है. मेरे ख्याल से कि बड़ा अच्छी बात है कि ये सवाल जो तुमने उठाया है कि हम मूवमेंट को समझने की असल में कोशिश करें. हम नॉर्मली अपनी जो भी हमारे बॉडी जेस्चर्स होते हैं, जो भी हमारे रोजमर्रा के रख रखाव रहन सहन का तरीकेकार होता है, उसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं. और जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि असल में ये हरकत जो है ये है क्या, तभी हमें पता चलता है कि जिंदगी का असल मकसद क्या है. तो ये आई थिंक यू योरसेल्फ आल्सो एज अ डांसर यू डू टेंड टू फील हाउ एल्स यू कैन मूव देन व्हाट इज जस्ट देयर इनहेरेंटली प्रेजेंट इन योर बॉडी नेचुरली. एंड वी आर ऑलवेज काइंड ऑफ ट्राइंग टू पुश दैट बाउंड्री एज परफॉर्मर्स, एज you know, or just not performers, but just somehow whatever discipline we belong to, we're always pushing that boundary, and our movements change according to that. It could be not only restricted to your body, but also the way you take a ride to your office or maybe to a grocery store. That could be part of your movement also, and that's a mental aesthetic movement. कि आज हम इस तरह से चलते हैं, आज हम उस तरह से रास्ता तय करते हैं. तो ये सब वो बातें हैं जो कि हमें बनाती हैं इंसान. सो मूवमेंट इज बेसिकली टेक्निकल टर्म्स में नॉट बीइंग इनर्ट, हेंस लाइफ. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक ये जो आप कह रही हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारी मूवमेंट्स हैं, उन चीजों को कभी कभार, इनफैक्ट क्योंकि अब हम नेचर से काफी दूर हो चुके हैं, ऐसे बड़े बड़े शहर बन चुके हैं, हम सब अपार्टमेंट्स में, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट भी हो गई है हमारी मूवमेंट्स में. अगर बहुत ज्यादा और उस हिसाब से ये भी है कि ऑन वन हैंड एज अ डांसर आई वुड थिंक रेपिटेशन इज अमेजिंग बिकॉज यू कीप डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन. बट जैसे हम अगर रेपिटेशन करते हैं एज डांसर्स या एज एक्टर्स, या दैट्स रियली आई थिंक टू गेट इनटू द लूप ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इमोशन ऑफ दैट, द फिजिकलिटी ऑफ दैट. लेकिन अगर कोई रेगुलर इंसान है जो जिसकी मूवमेंट बस यही है कि सुबह उठ के नाश्ता बनाया, नीचे कुछ गिरा उसको उठाया, ये किया, यू नो, सो आई थिंक हम अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं देते इस काफी तरीकों में. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. आई थिंक इट्स आल्सो बिकॉज़
most of us are so unfortunately we are programmed that way. हम लोगों को वक्त नहीं, हमारे पास वक्त कम है, हमारे पास असासे कम है, हमारे पास जो हमारे टूल्स हैं उनको हमने बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके घर में रोटी टेबल पे खाना रखना है क्योंकि पेट भरने वाले बहुत लोग हैं हमारे इर्द गिर्द. और ये बहुत मुख्तलिफ उसमें दर्जात में हमारी जिंदगी में हम ये महसूस करते हैं जो रिस्ट्रिक्शन है जिसकी आप बात कर रहे हो. अगेन यू आर राइट, जो हमारी रेपुटेशन एज डांसर्स होती है that's also for a particular time and that particular time once that's done then we move on to something else also but to have that in your everyday life can be very much very damaging to you as a human being again because you have not explored yourself ke aapke paas aur kya kya अंदर पोटेंशियल है जिसको आप बाहर लेकर आ सकते हैं और शायद उस पोटेंशियल को ना इस्तेमाल कर ना एक्सप्लोर कर आप अपनी सारी जिंदगी जाया मैं नहीं कहूंगी बट क्योंकि कुछ लोग उस रेपिटेशन की वजह से बहुत सक्सेसफुली वो काम करते हैं जो कि उनके लिए जिंदगी की वजह होती है जो उनके लिए उनकी वो उन लोगों की खुशहाली होती है जो उनके साथ जुड़े हुए होते हैं. लेकिन हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं जो थोड़ा सा अपने आप को रीइन्वेंट करते रहते हैं क्योंकि हर बंदा रीइन्वेंट नहीं कर सकता अपने आप को. इट्स अ वेरी रिस्की जॉब एंड देयर्स टू मच टू लूज फॉर अ नॉर्मल पर्सन फॉर अ कन्वेंशनल पर्सन इन द सोसाइटी. सो दैट मूवमेंट बीइंग इफ इट्स वर्किंग फॉर देम देन दैट्स ग्रेट दैट्स लाइफ दैट्स देयर सक्सेस ऑफ देयर लाइफ. But I think that's true that it could be on one hand it could be this thing where you know it's you're inventing or exploring in that sense. But the other thing is जैसे मेरी अम्मी गाँव की है और मैं जब भी वहां जाती हूँ या देखती हूँ या उनकी कहानियां सुनती हूँ तो वो तो बहुत ही गरीब घराने से थे you know और उनका ये बिल्कुल भी नहीं था. They didn't have you know, money or any sort of luxury in that way. But the running around that was happening, the freedom that one got with their body, you know, I'm sort of speaking about that in a way ke that also gets really restricted. Jaise jaise hum shaharon mein aate hain, yahi log isi usme agar hum we're not even looking at dance as a job. I think wo jab छोटे शहरों में होते हैं यू कैन बी मच मोर फ्री विथ योर बॉडी इन सो मेनी वेज. व्हेन यू कम इन अ सिटी इनफैक्ट समझा जाता है कि शहरों में हम ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं बट दैट्स अ डिफरेंट ओपन माइंडेडनेस. यू नो आई फील दैट विथ योर बॉडी वी बिकम मच मोर एंड आई सी दैट इन अ प्लेस लाइक यूरोप एज वेल. द बिगर द सिटीज आर द मोर यू नो देयर्स यू हैव टू कंफॉर्म टू सर्टेन थिंग्स. यू हैव टू वेयर सर्टेन क्लोथ्स. You have to move in a certain way, and especially for women, everywhere in the world, it's always this restriction. So I think, us lihaz se bhi, wo sab cheeze hamari shahar mein aake kisi tarike se metropolitan cities mein hai. These a lot of times it ends, or maybe technology. On one hand, I love it for these reasons. We can see each other, you know, in different time zones. We can talk. We can meet each other. We can. Like you were saying, teaching online is the new thing. And on the other hand, a lot of people still don't have this technology. You know, but talking about movement being life, you know, you started with your art as a fine artist, and it's very interesting for me to know that you know you slowly. I mean, that's a huge part of you, but it feels like you had more desire to somehow express yourself in different ways, and that's why you came into something where there was more action with the body, more movement, and that's where you started acting and dancing and all these things. So tell me a little more about what is it that brought you more towards performing arts. I think there was nothing that brought me towards it. Just inherently it was present in the kind of brought up that I had
and we've always I've had people singing in the family. Women in my family love to dance. Hamari aadhi family jo hai wo kuch Urdu speaking khandan hai, kuch Punjabi hai, kuch Sindhi hai. So all these cultures kind of amalgamated as part of my growing up aesthetics. And so I'm from Hyderabad, Sindh, and there were a lot of Hindus also I grew up with. They were part of my childhood festivals was Holi, जो कि हम खेलते थे तो उसके ऊपर एक खास किस्म के उनके गाने होते थे वो हम सब उसमें शुमार होते थे उसमें शामिल होते थे और हमारा घर हमारी खानदान आपको तिलक चाड़ी पे भी मिलेंगे मंदिर के एरिया में भी मिलेंगे जो हैदराबाद के खास एरिया सेटल थे वहां पे आपको क्या कहते हैं बहुत सारी डांसेस होते हुए नजर आते थे हम लोगों ने आई हैव अ वेरी क्लियर मेमोरी ऑफ गोइंग टू माय आंट्स एंड अंकल्स फेराज जो कि बहुत क्लोज फैमिली सर्कल्स को बुलाया जाता था सो बिकॉज वी वर पार्ट ऑफ दैट हम मंडप के इर्द गिर्द बैठते थे उनका उनके फेरे देखते थे एंड ऑल्सो इट बिकेम लाइक इट वॉज अ लवली काइंड ऑफ जेनरस गिव एंड टेक बिटवीन अस वो हमारी फैमिलीज में आके टप्पे गाते थे पंजाबी के टप्पे भी गाते थे उर्दू के भी गाते थे और बड़ा मजा आता था उन सब चीजों को जहन में रखकर तो आई थिंक व्हेन आई शिफ्टेड टू लाहौर एंड बिकेम पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिनेरियो बिकॉज़ लाहौर हैज ऑलवेज हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन बैकग्राउंड एंड यू नो यू फाइंड अ लॉट ऑफ ओपन माइंडेड क्रिएटिव पीपल ओवर देयर Maybe it's the history of the place, or maybe it's the pace of that place that kind of activity is allowed there. So I was 12 when we shifted in the 90s to Lahore, and that thing kind of came out a lot. Mujhe yaad hai class 7th mein, I was in class 6 when I shifted to Lahore, and my first thing that we were supposed to do hum log ek wo tha Lahore grammar school mein Neelam's branch mein humne apna talent dikhana tha to maine apna chuda pehenkar aur ghagra pehenkar mor tor tille rana par dance kiya aur gaya bhi tha saath so that became like a very nobody had listened to that folk song ab to khair mashhoor ho gaya it's trend and I did not know that what I was telling them what I was singing was unique for them and I just did it out of my heart and I realized that at the age of 12 and 13 I realized that what I had brought from Hyderabad to Lahore was something very very special and I can't let it go so my family being the support they are they made sure that I remembered those folk songs of Sindhi some of the urdu speaking tappas that we still remember jis tarah ek gana tha kanchi se kaatu zuban tumhare khandan ki it was such a hilarious song although it's very violent but you know it's just the way the urdu speaking yeah. are and then पंजाबियों के टप्पे भी उसी तरीके के होते हैं तो ये वो चीजें थी जो हमारे और घरों में शादियां होती थी उस वक्त तो ढोलक बजती थी बाहर से नहीं गाना आता था घर की औरतें गाना गाती थी और महफिल सजाती थी और मर्द जो थे वो गाते थे पीढ़ी सर पे उठाकर गाना तो बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ रखा तो इतनी शादियां थी जिसको हम अटेंड करते थे जिसका हम हिस्सा होते थे कि मेरे ख्याल है वो कभी भी जो परफॉर्मेंस साइड है वो वेन नहीं हुआ वो इट डिडंट काइंड ऑफ फेड अवे इट वाज देयर ऑल अलोंग विद माय एजुकेशन एंड आई थिंक टुडेज जनरेशन इज मिसिंग आउट ऑन दैट बिकॉज वी गो हम एक आज की मतलब मैंने जो शादियां देखी हैं या जो मेहंदियां देखी हैं उसमें बजाय खुद गाना गाने के और खुद गाने बनाने के हम लोग टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय करते हैं विच इज ग्रेट मैं उससे निगेट नहीं कर रही हूँ लेकिन कहीं वो जो एक मेहनत होती थी जिसके अंदर घर का ही बंदा डांस कर रहा होता था और फिर मायूब क्या होता है और क्या नहीं होता वो डिसाइफर होता था जिस तरह बहुत सारी शादियों पे I'm sorry, I'm just taking it to this other extent, but it kind of gels in with what we do. Yeah, because absolutely. होता ये था कि शादियों में हमने कभी कुछ कह दिया दूसरी पार्टी को ससुराल वालों को तो उसमें नाराजगियां हो जाती थी
तो उस वक्त शायद नाराजगियां आज शायद ज्यादा तो सुनने में आते हैं, नाराजगी खाने पे हो गई या हमें सही तरीके से ग्रीट नहीं किया। उस वक्त नाराजगी होती थी कि ये टप्पा इतना हार्श क्यों बना हमारे ऊपर। तो और कुछ लोग जो थे वो बड़े प्यारे टप्पे बनाते थे, तो आप उनसे फिर बोरो करते थे। तो टप्पों की किताबें होती थी जो कि घरों से घरों बोरो हो रही होती थी, और वो किताबें हाथ से लिखी हुई होती थी, और वो गाने मुख्तलिफ इसी तरह वो वायरल होते थे बाय वर्ड ऑफ माउथ। और फिर जो खवातीन वो अच्छे गाने गाती थी उनको बकायदा तौर पे बुलाया जाता था किसी महफिल का हिस्सा बनाकर कि आप आकर ये टप्पे गाएं। तो ये आई थिंक दैट एंड देन दैट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, अ सेंस ऑफ कनेक्शन। आई थिंक दैट वाज ब्यूटीफुल, व्हिच इज वेरी मच मिसिंग। आज हम बुलाते हैं किसी कोरियोग्राफर को, 2.5 या 1.5 मिनट का गाना करते हैं और उसमें सब औरतें डांस करती हैं, मर्द डांस करते हैं, एंड इट्स वेरी इट लुक्स वेरी नाइस, इट लुक्स वेरी क्यूट ऑल्सो, बट इट्स वेरी डिजाइंड एंड बिल्कुल इट्स वेरी अवे फ्रॉम द पर्सनल थिंग दैट वॉज सपोज टू बी पार्ट ऑफ द शादी का जो सिनेरियो होता था। बट आई एम सो ग्लैड दैट यू ब्रॉट दिस अप बिकॉज़ इट्स सो ट्रू। उसमें उन दिनों में और ये सब चीजें जो होती थी उससे आप एक्चुअली यू वर टॉकिंग अबाउट द एसेंस ऑफ डांस एंड म्यूजिक। आपके अंदर से जो बातें वो निकलती थी और उसमें ये नहीं होता था कि आपकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए या आप अच्छी डांसर या गुड नहीं डांसर। You were all together, you were all moving या and और अब मुझे लगता है कि ये चीज भी बहुत आ गई है। एक तो डिजाइन है, आई एग्री, एंड द अदर थिंग इज गुड डांसर एंड बैड डांसर। पीपल ऑफन यू नो इन माई फैमिली, ओ यू आर द गुड डांसर, बट वॉट इज दैट रियली मीन? यू नो जस्ट बिकॉज आई एम ट्रेन्ड इन अ सर्टन एंड आई रियली फील दैट डांस फॉर्म्स आर जस्ट लैंग्वेजेस दैट यू आर ट्रेन्ड इन। यू नो इफ यू आर एबल टू स्पीक हिंदी, पंजाबी, पश्तो, it doesn't mean that you know those are different languages that you know. That doesn't mean that you're a good speaker. You know, it's no different languages. You might be a good speaker, but again, like speaking and dancing is not about this thing of yeah, just showing off. And I think it's really become about that, showing off your skill a lot of times. Whether we're trained or whether we're doing it professionally or not, in normal things like shadiyan, unme bhi ye cheez aa gayi hai. So I'm so glad you bring this up kyunki I Also, think adding to what you just said is another aspect of it also, कि अगर कोई लड़की जिसमें गुड और बैड डांसर की बात हो रही होती है, उसमें ये भी बड़ा आ जाता है कि जो लोग प्रोफेशनली डांस कर रहे होते हैं और उनके पास स्किल होती है, तो अगर मेहंदी पे किसी ने आजकल अच्छा डांस नहीं किया और दूसरी ने लड़की ने अच्छा कर लिया, तो मैंने बहुत बुजुर्गों को ये कहते सुना है, हाँ तो वो कोई प्रोफेशनल नाचने वाली थोड़ी है, इस तरह करके वो निगेट करते हैं बात को। मतलब एक बजाय डायलॉग को नॉर्मल रखने के, जो तुम्हारा प्रोफेशन है जो मेरा है उसको नाचने वाली या नाचे, अगर पंजाबी में नाचा है वो, तो उसके जुमरे में डाल देते हैं। अगेन दिस इज डिरोगेटोरी काइंड ऑफ एन अप टेक ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एज यू से, एंड द सेलिब्रेशन ऑफ द मूवमेंट देन काइंड ऑफ गेट्स लॉस्ट बिकॉज कॉम्पिटिशन आ जाता है। यू नो एवरीथिंग हैज बिकम सो कम्पेटिटिव इन ऑल द डिसिप्लिन्स एनीवे। ये वो एक अब सो आई वी डोंट नो, आई मीन आई डोंट नो एटलीस्ट हाउ टू से दिस टू दिस पर्सन। जैसा अभी रिसेंटली एक मेहंदी क्वारंटाइन से पहले सर्दियों में जो मैंने अटेंड की, उसमें किसी ने यही बात कही। तो एंड द वुमन वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, वेरी एजेड, वेरी डिसेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, आई डिडंट नो हर, बट द कमेंट दैट शी गेव आउट वाज लाइक दिस, एंड आई वाज लाइक यस दिस वाज जस्ट टू बिलो द बेल्ट, व्हाई यू कंपेयरिंग। एक तो आप प्रोफेशनल गाना लेकर आ रहे हैं, फिर आप प्रोफेशनल कोरियोग्राफर लेकर आ रहे हैं, फिर अगर आपकी बच्चियां उस तरीके से उसको जता नहीं पा रही, अच्छा डांस नहीं कर पा रही है, निभा नहीं पा रही, तो आप फिर प्रोफेशनल डांसर की एग्जांपल देके उस चीज को डिमीन ना करें जो असल में प्रोफेशन है। तो यहाँ पर भी एक मैं देखती हूँ, जो कि मुझे मैंने ये बातें बचपन में नहीं सुनी थी कि अगर कोई खातून जो है वो कोई अच्छे कंधे हिलाती है तो सिर्फ कंधे हिलाएगी, कोई अच्छा ठुमका मारती है तो हाँ जी आओ ठुमका, जैसा माई मदर उनके ठुमके मशहूर थे तो पंजाब में बड़ा मैंने सुना, आजा जा शैला ठुमका मार, आके चल अपना ठुमका मार। तो
तो ये तो मजाक हो रहा होता था, यू नो दिस वाज लाइक, लेकिन आज किसी को बोलेंगे आके जरा ठुमका मारो, मुझे लगता है कि वो इतना पसंद नहीं किया जाएगा नॉर्मली किसी उसमें। तो ये बिल्कुल, बट आई थिंक ये चीज इस चीज से भी आ रही है कि इट्स इधर डांस इज लुक्ड इन दैट वे, या तो फिर उसको एंटरटेनमेंट के तौर पे सिर्फ लिया जाता है कि आर यू देयर? नो, हाँ, गुड। सो आई वाज जस्ट सेइंग दैट दिस थिंग अबाउट इधर लुकिंग एट डांस या डांसर्स इन इन दिस सॉर्ट ऑफ लाइट, कि ये तो मतलब अपनी जिस्म की नुमाइश करने वाली है या नाचने वाली है, वो सारी चीजें। लेकिन दूसरी तरफ हम देखना भी चाहते हैं और फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे कि बस हमें मजा आए। तो एक तो चीज है कि आप एंटरटेनमेंट पे कर रहे हैं, बट यू आर इन इट टुगेदर, यू नो यू नो हैविंग फन टुगेदर, यू आर मेकिंग फन ऑफ ईच अदर, बट टुगेदर एक कम्युनिटी है। लेकिन दूसरी तरफ अब जो ये लोग नहीं एक साथ करते, और ये सारी चीज भी एक आ गई है शायद, और मुझे ऑनेस्टली ये बात समझ नहीं आती कि कहाँ से आ रही है, रिलीजन की बढ़ने से आई है, या जो अलग अलग उसके ऊपर बनाए गए हैं कि जैसे मैं देख रही थी, चाह रही थी सोचना समझना कि क्यों डांस इस्लाम में, लेकिन वही बॉडी और बॉडी की नुमाइश और इन सब चीजों पे बात आ जाती है ना। तो एक तो ये मुगलों के जमाने में इट स्टार्टेड बिकमिंग दिस थिंग ऑफ एंटरटेनमेंट, कि वो आप हमारे लिए करें, हम इंजॉय करें अपने आप को, हम बैठ के देखें। एंड आई थिंक दैट्स समथिंग दैट इज रियली यू नो कंटिन्यूइंग टू बिकम दैट, वी डोंट मूव फॉरवर्ड विद डांसिंग टुगेदर, एंड वी डोंट अप्रिशिएट ऑल्सो। देन आई एम सॉरी टू लाइक पुट अनदर पॉइंट हियर व्हिच इज स्लाइटली डिफरेंट बट रिलेटेड टू दिस। देन इन द प्रोफेशनल डांस वर्ल्ड जब हमें सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, फिर वहां पे एक अलग रिस्ट्रिक्शन, वहां पे अलग कंपटीशन है कि यू हैव टू बी लाइक दिस, एंड यू हैव टू, योर बॉडी हैज टू बी दिस वे, एंड यू हैव टू बी थिन, और यू हैव टू बी प्रिटी, और यू हैव टू, आई मीन दैट्स द डांस हैज। सो आई थिंक दोस एरियाज ऑफ कंपटीशन एंड एंटरटेनमेंट, थिंकिंग ऑफ इट ओनली एज एंटरटेनमेंट, डोंट यू थिंक दैट्स ऑल्सो, एंड व्हाई डू यू थिंक it's become this way over the years, and it's changed very quickly. Are you there? Yes. So I think maybe I don't know if I'll be able to मुझे remind करा देना। दो points तुमने अभी mention किए and I think both of them are very valid and I also struggle with them। एक तो entertainment का जहां तक सवाल है, जब तक हम as a performer ये समझते रहेंगे कि और समझते रहेंगे कि क्या बात है, इट्स अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ स्पेस दैट यू आर इन व्हेन यू आर अ परफॉर्मर एंड यू नीड टू शो योर टैलेंट टू समवन। तो जब वो नीड आती है ना, तो यू डू बिकम द पर्सन हु इज द ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। अब अगर मैं कोई अपना कोई मैंने पीस अपना क्रिएट किया है, मैं उसको दिखाना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस को, मैं चाहूंगी मेरी ऑडियंस उसको तमीज से देखे। अब वो राउडी हो ऑडियंस, वो पैसे वाली होगी, वो उसका जॉनर जो भी होगा, वो ऑडियंस जैसी भी कलेक्टिवली होगी, मुझे उसको सहना पड़ेगा। एंड दैट्स द सैड पार्ट अबाउट इट। अनलेस अंटिल द पर्सन हु इज क्रिएटिंग दैट प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये अलग अलग दर्जे हैं आपका, आप एक परफॉर्मर हो के एक प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं कर सकते, टू थिंग्स कैन नॉट गो एट द सेम टाइम। आई मीन दे कैन, बट इट विल अगेन उसका पलड़ा एक का भारी होगा एक का नहीं होगा। अगर आपने परफॉर्म अच्छा कर दिया, तो मे बी आपने उसको ऑर्गेनाइज अच्छा नहीं किया, उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं की, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा और अपनी जो प्लेटफॉर्म का जो क्रेडिट क्रेडिट कह लें या कोलैबोरेशन कह लें, वो आपको किसी और को लाना पड़ेगा अपने साथ अंदर। एंड दैट दैट टॉक्स देन अबाउट बीइंग जेनरस इनफ टू एंड बीइंग हैविंग अ बिगर हार्ट टू शेयर दैट स्पेस विद देम, राइट? तो अब जो आपके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा, वो आपकी मेहनत भी करेगा ऑडियंस पे जो आएगी, और फिर वो ये भी देखेगा, क्योंकि वो मिडिल पर्सन बन जाएगा, वो मिडिल मैन या मिडिल वुमन बन जाएंगे, और वो ये देखेंगे कि हमने टिकट के जरिए इनको अंदर लेके आना है, या हमें टिकट के जरिए अच्छी ऑडियंस नहीं आ रही, तो हमने
शायद मुफ्त ऑडियंस लेके आनी है और कहीं से स्पॉन्सर कर देना है, और फिर परफॉर्मर को ये देखना है कि उसमें अपना जो भी आप मिलके उसके साथ एक ऑडियंस क्रिएट हो रही है, जैसे भी हो रही है, आपने उसके सामने परफॉर्म क्या किया है, वो एक इक्वल फुटिंग के ऊपर आपकी होगी, आप भी एंटरटेन होगे, बीइंग द परफॉर्मेंस अच्छी मिली, और आई एम श्योर यू, हाँ, तो एंटरटेनमेंट वो होती होगी आपके लिए कि जब आप एज अ परफॉर्मर, जब आप एज अ परफॉर्मर ऑडियंस का रिएक्शन नोट करते हो और ऑडियंस का रिएक्शन अच्छा आ रहा होता है तो आप परफॉर्म अच्छा करते हो, आप उसके अंदर अपनी एक एनर्जी बूस्ट आपको मिलता है, इट्स लाइक अ हाई दैट यू गेट एट दैट टाइम, जब आपको आपको फील होता है ना, एनर्जी फील होती है कि आपने एक स्टेप अच्छा किया है, और ऑडियंस वेंट आइदर वेरी साइलेंट व्हिच आल्सो शोज के ओ वाओ यू नो, या फिर वो क्लैपिंग करना शुरू कर देती है, व्हिच वी टेंड टू डिस्करेज आवर ऑडियंस नॉट टू डू बिकॉज़ यू नो इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, लेकिन आपको फील हो रहा होता है एज अ थिएटर ऑल्सो आर्टिस्ट, मुझे फील होता है जब ऑडियंस किसी किसी मूवमेंट पे या किसी जुमले पे या किसी डायलॉग के ऊपर रिएक्ट करती है, उसको उनकी बॉडी जेस्चर से पता चलता है, डांस में भी ऐसा मुझे फील होता है, और वहां पर फिर आपकी इक्वल फुटिंग्स शुरू होती हैं, बिकॉज यू देन बिकम द पर्सन हु इज गिविंग, क्योंकि ऑडियंस आपने कैप्चर कर लिए, लेकिन अगर ऑडियंस सिर्फ इसी तरीके से आ रही है कि हमने पैसे दिए और हम एंटरटेनमेंट करने आ रहे हैं, तो फिर तो कभी भी इक्वल फुटिंग के ऊपर वो कनेक्शन बनेगा ही नहीं, हमेशा ऑडियंस का पलड़ा भारी रहेगा, एंड नॉट इन अ वेरी गुड वे मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज वी हैव एक्सपीरियंस्ड। तुम्हारी जो दूसरा पॉइंट था वो था क्या? तो एक तो ये एंटरटेनमेंट का था कि एंटरटेनमेंट से देखा जाता है डांस को, दूसरा द कंपटीशन आल्सो विद इन द प्रोफेशनल डांस कम्युनिटी। यस, ओके, नाउ एंड आल्सो विद इन ट्रेनिंग। Yeah, exactly. Yeah. I understand. Okay, so अगर हम let's suppose training की बात करते हैं, मुझे लगता है कि to be restricted at that point should not be a problem for us. It's very frustrating and it's very heart wrenching experience. लेकिन मुझे अगर आपका गुरु अच्छा है, अगर आपका टीचर अच्छा है, चाहे वो किसी भी discipline से genre से ताल्लुक रखता हो, तो वो जो एक एक उसके साथ एक नफरत और प्यार का जो एक रिलेशनशिप है, जिसमें वो कभी आपको इग्नोर भी करेगा, कभी वो आपको गुस्सा भी करेगा, कभी बहुत प्यार करेगा, कभी बहुत पैम्पर भी करेगा, तो और कभी कभी आपको लगेगा कि बिल्कुल ही शन अवे कर दिया, व्हाट इज दिस, सच एन इंसल्टिंग थिंग, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट ट्रेनिंग होते हैं, और उसमें से हम सबने गुजरना है, वो क्योंकि आप उस उस्ताद के अंडर हैं, वो उस्ताद एक इंसान है और उसने कहीं ना कहीं आपसे नाराज होना है कि मैं इसको इतना कुछ दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो ये मुझे वापस क्यों नहीं दे रही, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, और वो गलत भी हो सकता है, उसकी वो डिमांड गलत भी हो सकती है, लेकिन हम लोग जब गुरु शिष्य की शिक्षा की बात करते हैं, जब उस्ताद और शागिर्द की उसकी बात करते हैं, तो इसमें कहीं से भी इकोनॉमी नहीं आती, इसके अंदर गुरु जो है वो फिर आपको जो आज का हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्रिएट हो चुका है उस वो बड़ा फर्क है उस चीज से जो कि ट्रेडिशनली जब डांसेस सिखाए जाते थे। अब किसी भी जिंदगी दुनिया की अभी किसी भी कोने में चले जाएं जहाँ पे क्लासिकल ट्रेनिंग होती है और ट्रेडिशनल ट्रेनिंग होती है ऑफ एनी जॉनर ऑफ डांस, वहां पर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा क्वांटम होता है। It can be, you can love and you can hate your teacher at the same time and vice versa. अब दूसरी जो बात है इसके अंदर, जिसमें जब competition आ जाता है, वो competition क्या होता है, teacher आपको तैयार कर रहा है एक ऐसे specimen के लिए जो आप उसका अक्स बन जाते हो एक तरीके से, और जब आप उस अक्स उसके अम्ब्रेला में से निकलते हो, फिर कहीं जाके 2-3 साल बाद आप अपने आप को रीडिफाइन करना शुरू करते हो, लेकिन तब तक आप उसका अक्स हो, ठीक है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी बन जाते हो, ये एक इंसानी साइकोलॉजी है, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू एक्सपीरियंस दिस आल्सो विद अ लॉट ऑफ पीपल एज अ टीचर आल्सो मायसेल्फ, जब हम लोग ये मैं खास तौर पे वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड काम की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं या कुछ और पढ़ा रहे हैं, तो जब आप इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं, तो जब ये मार्केट में आप अपने बच्चे को उतारते हैं, जब उसकी रूनुमाई होती है, जब मुंह दिखाई होती है,
तो बच्चे की वाहवाही होती है कि वाह क्या डांस किया है, आप टीचर होते हो आपकी भी वाहवाही हो रही होती है, लेकिन उस वक्त स्पॉटलाइट उस बच्चे पे या उस प्रोडिजरे जो आपका जो भी होता है आपने एक बना के तस्वीर सामने पेश की होती है, जब उसकी वाहवाही होती है तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन आता है, जेलसी एंडी क्रिएट होती है, द टीचर एंड्स अप फीलिंग के मार्केट में मेरी जगह कम हो गई है. और ज्यादातर जो मेच्योर टीचर्स होते हैं वो सरपास कर जाते हैं उस बहम को. सबकी जिंदगी में ऐसा होता है, हम सब किसी ना किसी दौर में इस इमोशन से गुजरते हैं, लेकिन कुछ लोग पीछे रह जाते हैं और अपने नाते तोड़ लेते हैं उन लोगों से जो कि असल में आगे जाके उनका नाम लेंगे. मतलब वो दूर अंदेशी उनमें वो थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाती है, तो वो कुछ लोग तो अपने आप को रिडिफाइन कर लेते हैं, वो कुछ लोगों की बाकी वो बिनाई चली जाती है और वो फिर एक आप स्टूडेंट लूज करते हैं, फिर वो प्लेटफॉर्म लूज करते हैं जिसपे स्टूडेंट जगह जगह आपका नाम लेगा. एंड दैट्स अ वेरी वो जो स्पेस है वो इतना डिफिकल्ट स्पेस होता है, उसका उसकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट सिर्फ एक होता है, एंट्री पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, आप उधर फंस के रह जाते हैं, लेकिन एग्जिट सिर्फ तब होता है व्हेन यू बिकम लार्जर देन योर इमेज, लार्जर देन द इमेज ऑफ योर स्टूडेंट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉट मेनी पीपल कैन डू दैट. और हाँ, फिजिकल एस्पेक्ट जहां तक है, हमें पतला रहने के लिए काबिन, आई वॉज रीडिंग अप ऑन a lot of these ballet dancers जिनको बहुत पतला रहना पड़ता है, और बहुत सारी फिल्में भी बनी है इसके ऊपर. It's a cruel way that you go put your body through and you know you're starving yourself and your bones are becoming brittle, but that's the cost of becoming a great dancer, a ballet dancer. And similarly jis tarah tum karti ho, bharatnatyam bhi karti ho, then you're doing all these other contemporary dances as well. There's a lot that you put your body through, which a normal person wouldn't put themselves through. So ये तो competition आता ही आता है. ना चाहते हुए तुम्हें अगर कोई force नहीं भी करेगा, you will compete against your body. When you were 18 and now when you are 25 or 26 or whatever your age is, when I was 21, I will not have that body again at 42 right now. It is a 20 years का फर्क है. I've gained weight and I see myself and I hate it. But जब दूसरे मतलब I hate the fact that I can't go back to that thinness. And you can be, I mean, you're not as thin as you are when you are a teenager. You know, 21 के बाद you start gaining weights at age at different parts. तो वो चीज हमें खलती है. लेकिन हाँ, कोई और हमें जब dictate करता है तो हमें ज़्यादा बुरी लगती है. And then we make it a bone of a problem. के यू नो हमें सफरेंस कराई जाती है, या हमें, हालांकि हम अगर अपने जहन में देखें तो हम खुद भी इसी चीज से फाइट कर रहे होते हैं. आई मीन एटलीस्ट आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर एनीबॉडी एल्स बट माय सेल्फ, आई शुडंट बी सेइंग कि सबके लिए सही है, पर ये मेरी स्ट्रगल तो रही है बॉडी वेट के साथ. एंड एज ए डांसर मोर सो नाउ, बिकॉज यू वॉन्ट टू लुक गुड इन योर कॉस्ट्यूम, यू वॉन्ट टू लुक अट्रैक्टिव इन योर कॉस्ट्यूम. दैट्स वेरी ट्रू. एंड I think for me, somehow that's starting to change because I'm starting to think the body will change and the body, times will change, things in our life will change. Kuch damage hamari body ko permanent hoga, kuch hoga jo heal kar jayega, kyunki body heal kar leti hai apne aap ko. Lekin dusri taraf ye bhi main sochti hu ki when I dance, it's also very personal and I want to also feel connected with my soul when I dance, and you know, and when I feel that if I find myself stuck with these things, ki physicality kya hai, ki khoobsurti aur ye sari jo cheeze hain, phir main apne aap se connect nahi kar pati hu. And I think for me that is sort of changing, and that's perhaps why I'm starting to a question or try to explore what is beauty and aesthetic in dance. What is beauty and aesthetic for you in dance? I mean, I know you spoke about this and you do you know think that you want to look good in your costume and all of that, but beyond that also in terms of, you know, the vocabulary that you learn in, for example, you were learning Odissi, and you know, it's a very particular technique in terms of also the mudras are different, the hand gestures
are different for it from other forms sometimes. And yeah, it's very technical, and at the same time, it's something that you have to be very, you have to feel it a lot. You can't really do it with just, it's not a sport, you know. So how do you deal with that? What is, what how does it give you satisfaction, or what is it for you, the beauty and aesthetic part of dancing? So dancing in itself, जब आप ओडिसी का पर्टिकुलरली कर रहे हैं अगर, तो खुशी तो मुझे हमेशा तभी होती है जब मुझे लगता है कि मैंने ये स्टेप सही कर लिया है. Because there are so many things happening at the same time in different variations to your body, कि आपका कभी कुछ ना कुछ रह जाता है. And sometimes I'm cursing the presence of the mirror. क्योंकि कभी कभी आप जहन में कह रहे होते हो मैंने सही स्टेप किया, लेकिन आपको शीशा दिखाता है कि नो बेटा, डिड डू दैट. तो वहां पर आप ये है कि जब आप व्हेन यू गेट इट राइट एंड देन यू परफॉर्म इट राइट करेक्टली बिकॉज इट बिकम्स द बॉडी ऑफ मेमोरी ऑफ द बॉडी देन, तो वो आप जब उसको सही करना शुरू करते हो वो खुशी खुद ब खुद आ जाती है एंड इट बिकम्स इनहेरेंट. अगर मैंने एक कोई परफॉर्मेंस 8-10 मिनट की जो भी मैंने प्रिपेयर की है वो मैंने विदाउट अ सिंगल थॉट के ओ गॉड ये गलत हो गया ही है, तो इसका मतलब है दैट्स परफेक्शन टू मी. क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरे जिस्म ने सही सही सारे म्यूजिक को फील कर कर, बीट को फील कर कर, हर चीज जो है वो अपनी जगह पे की है. तो यू ऑल्सो फील ब्यूटिफुल, यू डोंट हैव टू बी वेयरिंग द होल कॉस्ट्यूम, you don't have to have the right kind of hair at that time, makeup bhi bhale na kiya ho, khoobsurti khud ba khud aa jati hai because you actually start glowing from inside, you know, it's a glow that you feel, it's like this cushion feeling. So I think lots of dancers who look beautiful, ye ek to physicality ki baat hoti hai na jo ki hame hamari marketing ne sikhayi hai ki khoobsurti hoti kya hai, phir ek wo hoti hai jo ki andar se nikal rahi hoti hai jab performer perform kar raha hota hai. तो ये दो बहुत अलग चीजें हैं. और मुझे बहुत कम ऐसा महसूस हुआ है कि मैं उस जगह पर पहुंची हूँ, क्योंकि आई स्टार्टेड लर्निंग ओडिसी एट अ वेरी लेट एज. माय बॉडी वाज ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड एंड हैड गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस, सो इट वाजंट वेरी फ्लेक्सिबल एंड आई विश इट हैड बीन एट एन अर्ली एज जिसमें मैं वो कर पाती जो मैं करना चाहती हूँ, बट मेरे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसलिए मैं अपने आप को ओडिसी डांसर भी नहीं कह सकती. लेकिन हाँ, ओडिसी जब मैं करती हूँ मुझे वैसे ही बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि डांस बहुत सेंसुअस है. इट मेक्स यू फील समथिंग, यू नो, इट्स लाइक यूर लाइक मेकिंग लव टू योर सेल्फ, यू डोंट नीड एनीबडी एल्स एट दैट टाइम. एंड दैट एक्ट ऑफ प्लेजर, क्वाइट इंटरेस्टिंगली आई एम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, अभी रिसेंटली ही हम लोग अपनी एजुकेशनल सर्कल में बैठे हुए थे एट माय यूनिवर्सिटी एंड दिस कॉन्वर्सेशन केम आउट के हाउ टू गिव सेक्सुअल एजुकेशन टू आवर यंग चिल्ड्रन. यू नो, माय डॉटर इज 2 years old, सो आई वाज थिंकिंग कि जल्दी इसको पता चल रहा है क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कुछ देखती है, पॉपअप्स आ जाते हैं एकदम से. तो मैंने कहा, तो वन ऑफ माय प्रोफेसर्स, ही सेड but the act of talking about sexuality doesn't only have to be sexual, it is 80% of it is related to pleasure. And so you talk to her about what gives you pleasure in life, and so that started making me think about what is pleasure, and odissi is pleasure for me. Odissi makes me feel warm and fuzzy, and all these butterflies in my stomach, they, when I listen to the music or listen to the words or jo uski beats hain jo mridang ke itne khoobsurat raagon mein unhone dhale hue hain ki aapko waise hi ek, you know, ek ajeeb sa jaise aap wo ho gaye ho, enveloped ho gaye ho kisi cheez se, to wo ek hug hai basically jo feel hoti hai, that jo aap khol ke apni baahein aur apne aap ko hug karte ho wo hai. And I said, yeah, well, that's beautiful, you know, that's how one, because women and men do not talk about what gives them pleasure. No. Hum kehte hain hame paisa pleasure deta hai, hum kehte hain hame hamari maa baap pleasure deta hai, haan theek hai,
पर आप अपने आप को प्लेजर कैसे देते हो? एंड इट्स नॉट ऑलवेज फिजिकल, एंड मोस्ट ऑफ इज नॉट, इट्स नॉट फिजिकल. सो यूर समटाइम्स, सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज आई स्टार्टेड कीपिंग अ जर्नल, व्हिच इज really a very unromantic way to do it, but since the phone is always in my hand, to main sticky notes ko istemal kar apne phone mein, and I, if I get that warm feeling or something close to it, I start writing things down, and it was amazing the kind of list that came up, and lots of things that I take for granted, I started realizing that this is my pleasure. And as a woman, I feel pleasure in maybe you know, eating a donut, or that first bite that I took of a donut, or maybe eating or maybe just having a bit of a chocolate, which was again just 80% cocoa and the rest of it was a little, you know, milky. So wo ek cheez, ye chhoti chhoti baatein mujhe nazar aa chuki, and but the larger part of it is the kind of things that I do with my body. Again, that becomes physical, but it's definitely more emotional and spiritual. Because when you're listening to music, something happens to you. You want to stand straight. You want to sit in a certain posture. When I'm wearing my sari, I love some of the sari drapes that I have. And wo ittefaqan aa gaye khareedari mein. Lekin jab main wo pehenti hu, to mujhe bahut acha lagta hai. And maybe it may look that I'm looking very attractive or I'm looking sexy at one point, but I'm not trying to. It's just something that I'm doing for my own pleasure. Look at the kind of colors you're wearing right now. They look beautiful on you. Every color reflects your face and it's complementing your coloring. And it's just beautiful. You're looking so, you're looking like a goddess sitting there. So why not? So, and this is not like I'm saying it on your face, but just saying it. तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों को छोटी छोटी चीजों से करने से रोकते हैं, जिससे हम ये छोटी छोटी चीजों से छीन लेते हैं, फिर हम ड्राई हो जाते हैं, उसके बाद हम कोई खुशी नहीं एंजॉय कर सकते. वही ना, उसमें ये सारी चीजें आती हैं कि इतनी तेज लिपस्टिक मत लगाओ, तुम इतने साल की हो, और ऐसे जूते मत पहनो, फॉर व्हाटएवर रीजन, मतलब हील्स ना पहनो इफ यू आर अ डांसर, या क्लासिकल डांसर. Yeah, don't wear this because it's too Western or... But yeah, those kind of things. And it's so beautiful what you say, to find pleasure. And I think ye cheeze, pleasure ek aisi cheez hai ki we don't need money to find pleasure. You know, you can be anyone, anywhere in the world and find pleasure in certain things. And it's very beautiful to hear that, that you started to do this. And... finding pleasure, has that helped you accept your body and your skin and just be more into it with time? You know, since you're starting to also do this, you know, find pleasure and just, you know, be, I don't know, you're connecting yourself to your spiritual being. Is it also helping you be more acceptable of how you are physically? So, for me, from a very early age, I was mature or should I say more present mentally, but I had easily divided the things that were given to me naturally and I couldn't do anything about them, and then the things which I could mold. So my body is, I can't do the changes that are coming to my body. I've realized when I was in my 30s, कुछ ऐसा वेट है जो मैं नहीं ऊपर नीचे कर सकूंगी, वो वहां रहेगा. ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ मी बिकमिंग अ वुमन इन आवर सोसाइटी, वुमन राइट. बट देन देयर वर थिंग्स व्हिच आई कुड कंट्रोल, लाइक मैं मोटा नहीं होना चाहती कभी भी, ये चाहे ये कह लो कि वो मार्केटिंग ने मेरे अंदर इनहेरेंट किया है या वो मुझे इंटरनली मेरे अंदर पहले से नेचुरली था. But I've never had a complex about my height. I'm not even 5 feet and I'm okay with it. You know, main flats pehen lungi, main heel pehen lungi, agar mujhe thoda lamba dikhna hoga, wo main cover kar leti hu. Meri skin tone, meri aankhein, mere hont, naak wagaira, inke liye main agar invasive surgery mein nahi jana chahun, to I'm okay with them, kyunki wo naturally wahan par hain. And I think they're decent, koi cheez tedi nahi hai, koi yun nahi hai, to one should be happy with what one has.
बिकॉज इवेंचुअली वॉट यूर सेइंग एंड हाउ यू आर पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ, आपका इनर अगर हैप्पीनेस है तो आपके चेहरे पे वो खुशी आती है. और ज्यादातर लोग खुशी को रिस्पॉन्ड करते हैं अगर वो आपके चेहरे पे हो. आपकी खूबसूरती, अगर आप अंदर से एक अगली इंसान हैं और आपके मुंह से जो निकल रहा है वो अगलीनेस है सिर्फ, और किसी के लिए सिर्फ खराफाते ही हैं, तो आपकी खूबसूरती कोई नहीं देखता, आपसे दूर ही भागेंगे ये लोग. तो ये चीजें तो आपको एक एक बॉक्स में बंद करके आप समझ लो कि ये बस आप ही की हैं जो आपके पास हैं. पर जो मेरा फिजिकल एस्पेक्ट है, आई होप दैट वन डे आई विल बी एबल टू बी ओके विद द वेट आई हैव. बट यस, व्हेन आई स्टार्ट गेनिंग वेट लाइक आई हैव इन द क्वारंटाइन टाइम एंड आई कांट गेट बैक इन टू माई ब्लाउजेस जो मैंने 6 महीने पहले सिलवाए थे, तो मुझे परेशानी होती है एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग अबाउट इट. बट इट वो ऐसे नहीं होती, अब वो ऐसे नहीं होती कि मैं उतावली हो गई हूँ कि हाय हाय एक्सरसाइज करो, हाय हाय खाना छोड़ दो. अब थोड़ा सा ठहराव आ गया है एंड आई वॉन्ट कि ठीक है मैं थोड़ा सा इंजॉय कर लेती हूँ ये फूड, फिर एक हफ्ते बाद आई कैन स्टार्ट यू नो वर्किंग ऑन माई बॉडी एंड ब्रिंग इट टू द प्लेस वेयर आई रियली वॉन्ट इट टू बी. बट पता नहीं मैं कभी अपने वेट से ओके हो सकूंगी, विच इज द एग्जिस्टिंग वेट, आई डोंट नो. क्योंकि अगर मैंने लुक 10 years बैक एट द पिक्चर्स, उस वक्त मुझे लगता था मैं मोटी हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है नो आई वॉज थिन एंड आई वॉज ओके. वाई डू आई हैव दिस इमेज? तो आई वॉन्ट टू बी, आई एम ट्राइंग टू एंड आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू हैपन. आई हैव टू कीप रिपीटिंग इट टू माई सेल्फ सो दैट द ट्रूथ काइंड ऑफ गेट्स हर्ड. In my, I can listen to that truth, you know. I hear it, but I don't listen to it. You know, I'm fine. मैं अपने मिरर में सामने देखती हूँ, अपने आप को कह रही हूँ, it's okay, you're fine. But I need to listen to it also. So I don't know when I will be ready to do that. No, that's totally relatable, and I think all of us struggle with that really, whether it's a man or a woman. My last question to you is that your you know, the fact that you learned you learned Odissi or a particular dance form later in your life, I think that's very brave of you, and I think that's something that we should do, you know, if at some point, again, it's part of learning, you know. If you're 50 years old and you feel like learning something, you go for it. And absolutely, you know, with all your limitations, so I want to ask you, would you tell people to you know, go for it? And did it do something to you, even learning at a later age something so technical? What did it do for you? How was it for you, despite all the difficulties, of course? I think for me, somebody who's I wouldn't, I mean, okay, let's, I don't want to sound too too, no, like that I'm bragging or anything, but I just want to put things out there. I can sing, I can dance, and I can act, but part of this is also very inherent in the education that I am part of, you know. I'm also part of the educational sector, so there are all these roles that I'm performing. And I feel that I'm a very good jack of all trades and master of none. But there are many people who think that they have they've been left behind, and because they were married early. Aur ye main mardon ke liye bhi kahungi, mardon ka ki journey auraton se badi different hoti hai. Agar ek young aurat jo hai wo jaldi shaadi karke 19 saal mein bacche paida karna shuru kar deti hai, to mard jo hai wo bahut young age mein education ki taraf aur phir naukri aur phir uske baad uski shaadi kar dete hain, phir uske bacche ho jate hain. To 30s mein, late 30s mein jaake unko ehsaas hota hai ki yaar unhone apne liye zindagi mein kuch kiya hi nahi hai. तो फिर वो करना शुरू होते हैं जो उनको लड़कपन में करना था, और लफंट्रियां जो करनी थी, और वो स्टेज पे जाके करना शुरू होते हैं, विच डोंट सूट देम, बट इट्स बिकम अ कल्चर. एंड फॉर विमेन आल्सो, दे स्टार्ट डूइंग, दे गो थ्रू दिस मिड लाइफ क्राइसिस. एंड आई एम सेइंग दिस, इट वॉज ईजी फॉर मी टू कंटिन्यूसली रीडिफाइन माई सेल्फ आफ्टर एवरी 5 years और 3 years, क्योंकि मैं जल्दी बोर हो जाती हूँ चीजों से. एंड आई हैव ऑल दीज अदर थिंग्स इन द बॉक्स व्हिच आई वांट टू यू नो ट्राई आउट. बट देन देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु हैव नॉट बीन इवन अलाउड टू थिंक
कि आपके अंदर और क्या क्या पोटेंशियल है जो आप ट्राई करते हो, तो जब उनको पता चलता है और वो उस तरफ जाना शुरू करते हैं तो एक बैकलैश आता है उनकी फैमिली से, क्योंकि देर फॉर एग्जाम्पल वुमेन हाउस वाइफ व्हेन शी स्टार्ट्स डूइंग समथिंग ऑन हर ओन, खावंद को लगेगा खाना आज सही नहीं बना, सास को लगेगा आज इसने सफाई नहीं मेरे साथ, मुझसे अच्छी तरह बात नहीं करी, क्योंकि व्हेन वी रीडिफाइन आवरसेल्व्स we go through a very breaking and unbreaking of a lot of things. It's not a very comfortable area to be in. और उसमें कभी कभी आप इरिटेट भी होते हो, कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट भी होते हो, कभी कभी आपको लगता है कि आपकी छोटी सी जो खुशी है उसको सेलिब्रेट किया जाए बड़े तरीके से. तो जब इस चीज को अंडरस्टैंड करने वाले आपके इर्द गिर्द नहीं होते तो आप डर जाते हैं और आप कहते हैं यार ये मेरी जिंदगी है, मैं 15 साल से इसके खाना बना रही हूँ और मेरे बच्ची 15 साल की होगी, बेटा मेरा 14 साल का है. तो are we there together? Yeah, I can hear you. तो मेरा बच्चा 14 का है, मेरी बच्ची 15 साल की है, मैं क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ, आई हैव टू बी देयर फॉर देम. इस डर से बहुत लोग पीछे चले जाते हैं. या मर्द हजरात ये होते हैं कि मैंने अपने घर के लिए एक एग्जाम्पल अच्छी सेट करनी है, तो वो ड्यूअल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं. So much so के then they become so disconnected with the kind of people that they have lovingly, or maybe not lovingly, but kind of part of a social societal need, they had created this life. तो मुझे ये problems नहीं आई थी और मुझे support मिला बहुत अपने घर की तरफ से, hence मेरे लिए बहुत आसान था ये सब कुछ करना, redefine. मतलब not the fact that I was redefining, I went through all that, जो breaking and breaking है. लेकिन सपोर्ट बहुत थी, बहुत लोगों को सपोर्ट नहीं होती और बहुत लोग इतने करेजियस भी नहीं होते कि वो जो नोइंग है उसको छोड़कर अननोन में कूद पड़े. तो मुझे यहाँ पर अपना कोई भी स्टेटमेंट देना जो है ना वो मुश्किल लगेगा अगर मैं कहूंगी कि हाँ सबको करना चाहिए रिडिफाइन. कुछ लोग नहीं कर सकते एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. अगर आपको लगता है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग जिंदगी को अच्छी तरह और खुशी से चला रहे हैं तो प्लीज चलाते रहें. लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उस सारे तोड़ फोड़ के बाद, उस डिस्ट्रक्शन के बाद अपने आप को रीडिफाइन करके ज्यादा खुश होंगे, तो और अगर आप कर लेंगे रीडिफाइन अपने आप को, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको अधूरा ना छोड़ें. रीडिफाइन करके जब आप वापस आएंगे ना अपनी उस स्पेस में जो आपकी फैमिली की स्पेस थी, आप उसको ज्यादा खूबसूरती से भी चलाएंगे. सो ये सिनेरियोज हैं और ये चॉइस हमारे हाथ में होती है और किसी को जज नहीं करना चाहिए अगर वो कोई भी चॉइस इसमें से लें. सो दिस इज माय टेक ऑन दैट. एब्सोल्युटली एंड दैट्स अमेजिंग, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू से, बिकॉज़ अगेन स्पीकिंग फॉर पीपल इन आवर कंट्री, उनके लिए तो बहुत ही, और उसमें ये भी नहीं है कि वो कौन से फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं. कभी कभार लोगों के पास बहुत सारी दौलत भी होगी और वो आजादी नहीं होगी उनके पास. कभी तो उनके पास कुछ भी नहीं होगा, कोई पैसे नहीं होंगे, लेकिन आजादी होगी किसी ना किसी तरीके से. सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द थिंग्स यू सेड. यू ब्रॉट सम अमेजिंग पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद एवरीवन. बट थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म सुहाई. आई थिंक इट्स रियली अमेजिंग टू हैव डांसर्स स्पीक विद ईच अदर एंड फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ ऑल्सो. जिस तरह आपने शुरू में कहा ना सुहाई के हर कोई अच्छी बात नहीं कर सकता, हर एक की अपनी अपनी लैंग्वेज है. वर्ड्स को हम लोगों ने इतना ज्यादा वेटेज दे दी है और कि बहुत सारी जो दूसरी लैंग्वेजेस है उनको हम लोगों ने निगेट कर दिया है. लैंग्वेज ऑफ आर्ट है, लैंग्वेज ऑफ सिंगिंग है, लैंग्वेज ऑफ मैथ्स है. इन सब चीजों को हम लोग शनवे कर देते हैं और जो लफ्ज हमने बनाए हैं जो कि हमारी मेमोरी से बने हैं, यानी जो विजुअल मेमोरी है हमारी. आप सबसे पहले जब भी कोई चीज हम वो करते हैं ना, सोचते हैं, तो वो सबसे पहले इमेज की सूरत में हमारे जहन में आती है और फिर हम उसको लफ्ज अलॉट करते हैं और फिर वो लफ्ज जो है वो उसके साथ मुंसलिक हो जाता है. तो यहाँ पे लोग भूल जाते हैं कि हम सब जो है वो विजुअल वोकैबुलरी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है और उसके बाद हमारी कोई और लैंग्वेज जो है वो शुरू होती है आना सामने. तो ना करें निगेट और एक्सेप्टेंस रखें तो अच्छा होगा. इसमें तुम भी खुश रहोगी, मैं भी खुश रहूंगी, हमें कोई ऐसे डांसर बुरा नहीं कहेगा और हम सबके साथ खुशी खुशी चलेंगे. थैंक यू
Absolutely. It's been a pleasure speaking with you, Kev. Thank Same you. Here, and good luck with the rest of your interviews. It was Thank lovely you. Talking to you. Thank you so much. Thank you for listening to the podcast When We Move. Stay updated for more interesting conversations coming up with a different guest every Friday. To watch or hear previous episodes, click on the link given in the description. Stay safe and keep moving.